मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, अमेठी के सांसद थे। मैं उनके साथ जीप में बैठ के जाती थी, खुद जीप चलाते हुए वो गांव गांव में जाते थे। गांव में प्रेम बहुत मिलता था, जो भी मिलता था, गरीब से गरीब हो, उनको घर में ले आता था, कुछ खाने को देता था, बिठाता था, राजीव भैया कहते थे उनको, लेकिन कोई उनको छोड़ता नहीं था। पूछते थे, अच्छा भैया ये सड़क आपने बना तो दी, लेकिन इसमें अब गड्ढे आ गए हैं, आपने बिजली के खंभे तो लगवा दिए, तार कब आएंगे? ये भैया हमारी पाठशाला जो है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कराइए, इसमें तो अध्यापक ही नहीं आ रहे हैं। कभी कभी डांट भी देते थे कि ए भैया वापस मत आना, अगर ये काम नहीं करोगे तो हम वोट नहीं देंगे तुम्हें। ये परंपरा थी आपके प्रदेश की कि देश का प्रधानमंत्री गांव गांव घूमता था, आपकी समस्याओं को पूछता था और आप उसको डांटते थे। ये थी आपके प्रदेश की परंपरा। 3 साल पहले मेरी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया। उस समय कुछ बड़े नेता मेरी पार्टी में ही, जो आज तकरीबन सारे के सारे पार्टी छोड़ गए हैं, वो मेरे पास आए अलग अलग से। उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने कहा अरे यहां से निकल जाइए, यहां उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला, यहां क्या करने आई है, यहां तो संघर्ष ही संघर्ष है, यहां कांग्रेस पार्टी तो है ही नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप नेतृत्व से बात करिए, आपको यहां से निकाल के कहीं और भेज दें। मैंने अपने भाई से बात की जब उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया, मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में क्या है। मेरे भाई राहुल गांधी जी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा देखो प्रियंका तुम उत्तर प्रदेश जाओ, कितना भी संघर्ष हो तुम काम करना शुरू करो, और याद रखो ये कभी मत भूलो कि तुम्हारा एक ही काम है कि जहां जहां दुख है, जहां जहां पीड़ा है, वहां जाकर जनता के साथ, जनता के मुद्दों के लिए कंधा से कंधा मिलाकर जनता के लिए लड़ो।